सही तरीके से फेरे पर ठहरिया पीर बेदिर चाई भी आ रूमी देवता फुल बखेरा शिव शंकर भोलानाथ साखिया मंत्र कहना और ब्राह्मण बैठे तो गुग्गा जी चौंकी का सवार हो गया। आप अपने साखिया मंत्र बोल रहे किस तरह की साखिया मंत्र सुनिए जरा देख सी विष्णु जी ब्रह्मा जी पढ़ी लिखी साख्या मंत्र बोल रहा किस तरह की बोल रहा एक ओंकार तीन त्रिलोक पांच पंडे सात धारा पर्वत की अष्टकुली नाग नौ नराते ग्यारह की कादसी बारह महीने तेरा है रतन चौदह है बमन पंद्रह है पाख सोलह सत्रमा सीता का साथ उन्नीस में धरती माता श्री राम का नाम श्री मंगलम श्री मंगलम ओम नमो नारायण लड़की नो ले आवे बड़ी औखी लिया करांदे फेरियां पर पहले जमाने में छोकरी नो गुद्दी ठहक लिया करांदे इब तां पुआ दे और पहले जमाने की बात है 20 रुपए कमल पग बहुत औखी लिया करांदे सुनिए जरा फेरियां के बोल घर छोड़ रुक मन बाहर आओ बाबल तेरे ने कान चोरी छाया मैं कैसे आऊं मेरा कान रसिया बाबल ते मैं शर्मामदी घर छोड़ रुक मन बाहर आओ ताऊ तेरे ने कान चोरी छाया मैं कैसे आऊं मेरा कान रसिया ताऊ ते मैं शर्मामदी घर छोड़ रुक मन बाहर आओ पीरे तेरे ने कान चोरी छाया मैं कैसे आऊं मेरा कान रसिया पीरा ते मैं शर्मामदी शर्मामदी बड़े मुश्किल ते फेरियां पर ले आए राजा संजपाल अपनी बेटी नु फेरे दे रहा सुनिए जरा फेरियां वाली बैड़ी होगी जाए तेरा रखाऊ मेरे पागड़ वाले तेरा ब्याह भी गाया वावे लौल पर नगर मार सारी रात ब्याह तेरा गाया वावे बड़े प्यार से सुनी ना कथा सबने आज मेरे पीर की आजी जी पहला फेरा राजे संजपाल ने रब के नौकर दे दिया फेरे भी तेरे आरा बेटी नो आप अपनी लाज दोनों आजी तेरा दूसरे रा फेरे गौआ का दान दे दिया अपनी तीनों फिर वीर तेरा राजा आप ओ मेरे बाबा हांजी तीसरे फेरे मां घोड़े हाथियो दान दिए राजा ने तीसरे रा फेरे मारा घोड़े हाथियो दान दिए राजा ने अस्तर सस्तर करा कान राजा साहब हांजी जी पंच मेरा फेरे मसेना दान कर दिया अपनी लाडो नो छे मेरा फेरे मायो दो
शस्त्र दान कर दिए सत मेरा फेरे मेरा कन्या यो दान ओ राणा जी हाजी फिर भी संपूर्ण हुए गेरा लोगो बताओ की तैयारी होगी दान दहेज बहुत देर दिया राजा ने बेटी नो लेकिन राजपूत ने वापस मोड़ा यो आप मेरे गुगे राणे ने हाँ जी हो जी राजे सजपाल ने अपनी बेटी को विधि के अनुसार फेरे कराए बहुत दान दहेज दिया लेकिन राजपूत भूखे ने वही वापस कर दिया कि हमनु दान दहेज की कोई लोड़ नहीं तीन चीजें रखी एक सोना सीरियल का डोला एक रेशम का रुमाल एक सोने की अंगूठी अब देखो राजपूत बदौगी की तैयारी लग रही कर लड़की की माया तिया का प्यार ये बड़ा अजब हुआ एक कदी नहीं मिट सकता आखिरी बार सोना सीरियल की माता पीजा दे माई अपनी बेटी नु प्यार से विदा कर रही क्या कह रही है सोना सीरियल अब ना रखी जाए ना रोवाए ना रोवा लाडली क्यों ने नानू खोवाए 14 साल तक सखियों में रखी 14 साल तक सखियों में रखी 14 साल तक सखियों में रखी 14 साल तक सखियों में तेरी अब ना रखी जाए ना रोवा लाडली अब ना रखी जाए ना रोवाए ना रोवा लाडली अब ना रखी जाए बाग मेरे की नाजुक डाली बाग मेरे की नाजुक डाली बाग मेरे की बेटी नाजुक डाली बाग मेरे की नाजुक डाली ए मिलिया ठंडिया बहारा ए नारो भाई नारो वाला डली अब ना रखी जाए नारो भाई नारो भाई बेटी मेरी क्यों नैना होंदी बेटी महला दी गुमा दिया तो होंदी बेटी ए महला दी गुमा किधर नो तोरा तुर गई आए नारो भाई नारो वाला डली अब ना रखी जाए नारो भाई नारो वाए बेटी मेरी क्यों नैना नू खोवा तो होंदी बेटी चिड़िया दा चंबा तिया तो होंदी बेटी चिड़िया दा चंबा मारा फेर उडारी नारो भाई नारो वाला डली अब ना रखी जाए नारो भाई नारो वाला डली क्यों नैना नू खोवाए बड़े प्यार से सोना सीरियल डोले में बिठाई कहार डोला लेका सोना सीरियल का नौ लखे बाग तक पहुंच गई जुड़का पंचायत गोरखनाथ के पैरा में शीश नवाया राजे संजपाल ने हे राजा साहब अगर आज मेरी बेटी का कोई भाई होंदा इसके साथ जरूर जंदा राजा साहब आप दुखी मन मत करो ये बेटी तुम्हारी नहीं रही ये बेटी हमारी हो चुकी है इंद्र महाराज के सोने के भुवान गोरखनाथ ने स्पेशल मंगवाए गुग्गा जी महाराज
और सोना श्री इंद्र महाराज के सोने के बुआना में बैठाई गई। जमीन को छोड़ जाते हैं गगन समान मानो पीर की बरात जारी। कौरु देश के मर्द जनाने सभी देख दे रह गए। जैसी शादी घूके पीर की हुई ऐसी शादी राणा जी कोई से देवते की नहीं हुई। कौरु देश को हरायका घूके पीर नो ब्याह का ये मेरा बाबा गोरखनाथ। कौरु देश ते बागर देश को सोना सीरियल का डोला लेकर चला जाता है।